सबसे पहले तो आप लोगों को टेली मसाला की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज। सबसे पहले तो आप सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। वैसे आज आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, एकदम अलग ही अवतार में। मतलब शायद ही लोगों ने सोचा होगा कि इतना क्यूट सा कृष्णा और इतनी प्यारी सी यशोदा मैया उनको देखने को मिलेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी कृष्ण माँ और यशोदा मैया बहुत क्यूट ही थे। हम भी बस ये फर्क है कि ये थोड़े से ज्यादा गोरे हैं। सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलता हूँ मैं, लड़कियाँ छेड़ने जाती हूँ जब भी, तो सनस्क्रीन लगा के। हाँ, इनोवेटिव ना। वो पेड़ पे ऐसे चढ़ जाते थे बिना धूप की फिकर किए, मैं सब कुछ सोच समझ ही जाता हूँ। हाँ। वैसे ये देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोगों का लुक जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन देखने में जितना आसान लग रहा है कैरी करने में क्या इतना आसान है ये? हाँ, मेरा तो इजी है, बस ये बाजू बंद खुल जाते हैं थोड़ा अपने आप। हाँ। मेरा ये कम से कम 4-5 किलो का तो होगा, जो मेरे गर्दन को इधर उधर इधर नहीं होने देता है। पहले ये पीछे था तो हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं। नॉर्मली लड़कियां ज्यादा टाइम लगाती हैं, तो बिहान मैं आज स्पेशली आपसे जानना चाहूंगी आपने कितना टाइम लगाया है रेडी होने में। मुझे ऐसा ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगा, बस नॉर्मल टाइम जो होता है मेरा मेकअप का वही था, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम 10-15 मिनट स्टीक के लिए जो है ना, आर्टिस्टिक जो चीज़ें बनाई हैं उसके लिए वक्त लगा होगा। वो कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बस। हाँ। बाकी ड्रेस अप्रूवल एंड ऑल ये सब चीज़ें पहननी है, कैरी करनी है नहीं करनी एंड ऑल, बट फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। मुझे 2 घंटे लग गए थे, बिकॉज पहले था कि ये चोटी जो है पीछे रहनी है, फिर ये था कि चोटी आगे आनी है, तो अब मतलब ओके। उसके बाद सामने तय हो रहा था कि भैया ज्वेलरी क्या क्या पहननी है, ये वाली पहननी है कि वो वाली पहननी है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अच्छा अब ये रेड है तो मैं नॉर्मल में मरून बिंदी लगाती हूँ, तो अब ये रेड वाली ढूंढ के लेके आओ, रेड लेके आओ, मेरे बाप लेके आओ रेड। सुर्ख लाल बिंदी आती है, सुर्ख लाल। सो दैट इज व्हाट टुक मेजर टाइम, एंड फिर ऑब्वियसली सारा कुछ डॉन करना इज आल्सो टाइम टेकिंग। या हमेशा जब भी लुक चेंज होता है तो हमेशा बिहान आपने थपकी को कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उन्हें क्या? बिल्कुल, हमारे तो आज सीन में भी था, बिल्कुल यशोदा माँ ही लग रही है। मतलब एक वाइब्स आती है ना देख के, मैंने वाओ वो वाला बिल्कुल आज हमने सीन में भी कहा था। मां बहुत अच्छी। अरे ये तो क्यूट लगता ही है, हमेशा जंगली टाइप का क्यूट है, लेकिन है क्यूट है ना। और उसी जो अगर ये सोफिस्टिकेटेड क्यूट हो जाएगा ना, तो ऑडियंस को भी पसंद नहीं आएगा, बदमाश ही अच्छा लगता है ये। वैसे मैम, हमने वैसे अक्सर देखा है कि जब भी कन्हैया होते थे वो माखन चुरा कर यशोदा मैया को परेशान करते थे, ये बिहान आपको किस तरह से परेशान करते ऑफ स्क्रीन की अगर मैं बात करूं? ये चोर तो है ही है, ये भी चोर है, बस ये बात अलग है कि हम डब्बे इनको देते हैं, ये डब्बा कभी वापस लेके नहीं आते हैं, बोलते हैं हो गया मैं नया ला दूंगा, कद्दू ला दूंगा, आज तक एक नया डब्बा लेके ना आया भाई साहब, पराठे नहीं डब्बे में मैं खाना भर के लेके आऊंगा आपके लिए। एक बार लाया था मैं, एक बार लाया, उस दिन मैं नहीं थी। नहीं, एक बार खाया था। कौन से दिन खाया था? अच्छा खाया था, सॉरी, एक बार। अब 25 बार के बाद एक बार खाने को मिले तो क्या होगा? नहीं, वो तो डब्बा भी एक बार ही खोया, डब्बा भी एक बार ही खोया। मतलब घर के खाने का डब्बा चोर, घर का खाना इतना अच्छा लगता है, मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ घर से दूर रहता हूँ तो माँ अक्सर मेरे लिए बना के लेकर आती है, और उसके बाद इनकी बाई जो है वो खो देती है, क्योंकि इनको ध्यान नहीं होता है कि डब्बा वापस लेके जाना भी है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में आ जाता हूँ, भूल जाता हूँ, फिर वो पता नहीं, मतलब महीने में एक बार कभी कभी ऐसा होता है। तलाश जारी है, मतलब ढूंढ रहे हैं हम भी कहाँ है, तैयार होके आए। हमारी थपकी हमारी राधा है। हाँ, बस वो इसमें फिर से इन्वेस्टिगेटर का रोल अदा कर रही है, राधा बनके संवर के नहीं आई है वो, सो राधा थोड़ी मिसिंग है। ये जो स्किट है वो कृष्ण और यशोदा का और देवकी का है, सो इट्स नॉट अ राधा बेस्ड स्किट, सो इसलिए राधा को आप मिस कीजिए, अगली बार मिलेंगे आपको।
वैसे अगर हम अगर ये ऑन लोकेशन की अगर बात करें तो राधा जो है वो थपकी जो है वो थोड़ी टेंशन में नजर आ रही थी, आपसे किसी राज के बारे में कुछ बात कर रही थी, क्या था एग्जैक्टली? वो मेरे सामने नहीं बता पाएंगे। राज है इनके होने का राज बेसिकली, तो वो जो है हम इनके सामने व्यक्त नहीं कर सकते अभी, वो राज को राज रहने दो, कोई नाम ना दो। वैसे क्या कहना चाहेंगे अपने टेली मसाला के फैंस को इस जन्माष्टमी के मौके पर? हाँ, सबसे पहले टैली मसाला के सभी व्यूअर्स को हम दोनों और पूरी थपकी प्यार की टीम की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग भी यूं ही हंसते खेलते मस्ती करते रहिए, खूब मिठाइयाँ खाइए, मक्खन खाइए, लड्डू खाइए, एटसेट्रा खाइए खाइए खाइए, झांकियाँ देखिए, झांकियाँ बनाइए, बिकॉज उसमें उसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है, और प्रेम से रहिए। सबसे ज़्यादा तो प्रेम का पार्ट और अकलमंदी का पार्ट सिखाया है कृष्ण जी ने, तो उसका थोड़ा थोड़ा उसमें से इम्बाइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, और थपकी प्यार की ज़रूर देखते रहिए क्योंकि वहीं पे हम नज़र आएंगे आपको, तभी आप खुश रह पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।